खबर लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले से, जहां कविंद्र सिंह चौहान बने जनपद सदस्य, क्षेत्र में हुआ भव्य स्वागत। खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां बजरंगगढ़ ग्राम में फूलों के साथ कविंद्र सिंह चौहान का हुआ जोरों से स्वागत। आपको बता दें कि जनपद सदस्य बनाने के लिए और हर गली मोहल्लों में रैली निकालकर जगह जगह फूल मालाओं के साथ माताओं बहनों से आशीर्वाद लिया और कहा कि बजरंगगढ़ में अच्छी जीत हासिल हुई है, मैं आपको अपना आभार व्यक्त करता हूं और अच्छे कर्मों के साथ विकास करूंगा, बिजली पानी समस्याओं को दूर करूंगा, मजदूरों की मजदूरी कार्ड से निजात दिलाकर जल्द ही आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा और मैं हर पल आपका आभारी रहूंगा। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़ा आशीर्वाद बजरंगगढ़ की जनता से मुझे मिला है, जिसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। चुनाव के कई टाइम तक मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं था, कुछ कारणवश आज दिन तक चुनाव के लिए यहाँ नहीं आ पाया। हेलो, आप आज जो ये आशीर्वाद आप सबके द्वारा बजरंगगढ़ के प्रत्येक मतदाता के द्वारा मुझे मिला है, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। कोई 5 साल में आपकी सेवा नहीं करने वाला, आपने मुझे जीवन भर के लिए गोद ले लिया। प्रत्येक काम आपका, सबसे प्राथमिकता अपनी पानी की समस्या, वो सॉल्व करूंगा मैं। किसी बात की चिंता की कोई बात नहीं है। आपके मजदूरी कार्ड की, राशन की पर्ची की, आपके आयुष्मान कार्ड की सबकी जिम्मेदारी मेरी। दो लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। भारत तर्पण की भूमि है, भारत अर्पण की भूमि है, भारत बंधन की भूमि है, भारत अभिनंदन की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियों को गंगा में बहाया जाएगा और कोई अस्थियों को कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, बोलो भारत माता की। आज एक बहुत विशाल आशीर्वाद, जिसकी मैं कभी सोच भी नहीं सकता, जिसकी मैं कभी कल्पना